एक दिन ऐसा आ जाएगा गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा खेती करने के लिए, लेकिन किसान नहीं मिलेगा खेती करने वाला, क्योंकि हम तज गए अभी। It's commonly known that agriculture is the backbone of India, but many are unaware about the plight of the Indian farmer. Maharashtra, a state in India, constitutes for half of the farmer suicides in the country. Vidarbha is a region in the state consisting of 11 districts, of which 8 have been termed as distressed. We travel to Yavatmal, the epicenter of the suicides, to understand the heart of the issue. The district has poorly planned accessibility, with the nearest station being 45 minutes away. The internal roads are no better, mainly made out of stone. Luckily, we were travelling in a car, but one can only wonder how the everyday farmer gets around in such conditions. The government has been battling farmer suicides here for over 15 years. विदर्भ की ज़मीन ये दुनिया की सबसे उपजाऊ ज़मीन है। मुझे पहले बहुत खुशी हुआ करती थी कि मैं विदर्भ में रहता हूँ और दुनिया की सबसे उपजाऊ ज़मीन का मालिक हूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ जिस तेज़ी से किसान की सुसाइड हो रहा है और आत्महत्याएँ हो रही है, ये हमारे सभी के लिए बड़ा चिंता का विषय है। पिछले 3 या 4 सालों से यहाँ सूखा पड़ा है और अकाल की स्थिति है। ऐसी हालत में किसानों को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वो बहुत ही गंभीर है। विदर्भ के पास में कोई भी एरिकेशन के लिए ऐसे कोई जहाँ पर धरन बने हैं लेकिन उसका आउटलेट चालू नहीं हुआ, क्योंकि सरकार के पास में निधि नहीं है। धरन बनने के बाद जब पानी है, पानी आँखों से देख सकते लेकिन वो खेत में ला नहीं सकते। विदर्भ इज अ ड्राई एरिया where irrigation facilities are a fundamental problem for the farmers. They are dependent on the rains for their crops to grow. However, the erratic monsoon patterns and poor water conservation techniques have left lands dry and debts unpaid. In light of this problem, we inquired how the government is attempting to help. The current BJP Shiv Sena government has identified this issue of irrigation and launched a 15,000 crore scheme called the Jalyuk Shivar Yojana. This aims to make Maharashtra a drought-free state by 2019. गेले अनेक वर्ष शेती करतो, त्यातला प्रामुख्याने मोठा वर्ग जो आहे तो कोरडवाहू शेती करतो। शेतकऱ्याला शेती परवडली पाहिजे, शेतीमधलं उत्पादन वाढलं पाहिजे आणि या ठिकाणी त्याला शेतीमध्ये पाण्याची उपलब्धता जर असली तर मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न वाढवण्यास मदत होईल। हा दृष्टिकोन ठेवून दिवसेंदिवस जे शेतीची पातळी पाण्याची पातळी आहे ती कमी कमी होत चाललेली आहे सर्वत्र, आणि हे जलपातळीसुद्धा वाढवली पाहिजे हाही त्याच्यामागचा हेतू आहे। म्हणून जलयुक्त शिवार अशा स्वरूपाचा एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम महाराष्ट्र शासनाने राबवायचं ठरवलं आणि तो चांगल्या प्रभावीपणे मागच्या वर्षी आम्ही राबवला आणि या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर आम्हाला जवळपास 225 TMC पाणी आम्हाला या ठिकाणी अडवता आलं आणि ते प्रत्यक्ष पाणी या ठिकाणी झिरलं सुद्धा। वेल द गव्हर्नमेंट इज अटेम्प्टिंग टू हेल्प, दे आर नॉट इवन क्लोज टू मीटिंग द नीड्स ऑफ द फार्मर्स। द लाइफ ऑफ अ फार्मर इज हार्ड, वर्किंग 12 आवर्स अ डे विथ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड नो गारंटी ऑफ अ यील्ड ड्यू टू द इनकन्सिस्टेंट वाटर सप्लाई। एडिंग टू दिस, the cost of production for cotton farming has increased with the introduction of genetically modified BT cotton. Most farmers choose to farm cotton as it is valued higher than any other crop. However, it is the only crop whose rate is determined by the world market. अभी तो हमें भाव 4000 रुपए मिल रहा है, उसमें तो कुछ पूरा रहा नहीं मैडम, क्योंकि एक बैग 18 बोले तो 850 रुपये और यूरिया बोले तो वो 350 रुपये में आता है और उसको एक बैग को खर्चा पूरा और अपने जो बीज है वो लगाने का 830 रुपये है और ये वो अगर पूरा अगर हिसाब लगाए एकड़ हमको 15,000 रुपये खर्चा आ जाता है, लेकिन उसमें उतना रेट के वजह से हमको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है।
संतोष मोहन राठोड माझे नाव आहे आणि माझे बाबा मोहन राठोड आई शिलाबाई मोहन राठोड. घरी कापूस 3 क्विंटल आलेलं होतं, चिल्लरमध्ये विकलंस. त्याच्यानंतर थोडेफार की कमी पैसे आले तर मग घरी विचार, माझे बाबा विचार करत होते कसं करायचं बाबा. आता आपल्या पैशात पैसा नाही, लोकांचा पैसा 3 वर्षापासून थकित आहे आपल्यावर, द्यात लागणच. आमच्या पैशाला सगळ्या मालाला भाव आहे, पण कास्तकार हा स्वतःच्या मालाचा भाव करू शकत नाही स्वतःच्या, कारण की सगळ्या मालाला एखादी चंबाराला सुद्धा त्याची किंमत करता येतो चपलाची, परंतु कास्तकाराच्या कोणत्याही मालाला त्याची किंमत करण्याचा अधिकार नाही आहे. मार्केट में जो पैसा मिलने वाला है, जो रेट मिलने वाला है, ये वर्ल्ड के हिसाब से मिलने वाला है, ना तो उसके कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से मिलने वाला है. मार्केट में किसान को स्टैंड रखना है तो उसको सब चीज़ें वर्ल्ड के स्टैंडर्ड से मिलना चाहिए. जो टेक्नोलॉजी का लेवल है बाहर, वो टेक्नोलॉजी आज की किसानों को, यवतमाल के किसानों को मिलेगा तो अपने आप वो वर्ल्ड के फार्मर्स के साथ स्टैंड होगा. स्ट्रेस्ड बाय द क्रशिंग प्रेशर ऑफ द लोन्स, बोथ ऑफ संतोष's पेरेंट्स ट्रेजिकली कमिटेड सुसाइड. ऑन 21st डिसेंबर 2015, अ रिलेटिव रियलाइज्ड दैट संतोष's मदर हैड टेकन पॉइजन एंड रश्ड हर टू द हॉस्पिटल. Soon, they realized that Santosh's father too had taken the same poison. His mother passed away in the hospital that night. His father passed away after her cremation 2 days later, leaving Santosh and his sibling with a loan of 4 lakhs and 4 acres of dry land with no access to irrigation. Several farmers are left in a similar scenario as Santosh, stemming from the fact that none of them have been educated in this field. 12 lakh kutumbade satat napiki suru hai, 16 lakh kutumbamade berozgari hai, 3.5 lakh kutumbamade lagna yogya mulgi hai, lagnal paise nahi, 1.5 lakh lokacha ghari khub aajari hai. What is happening that the productivity of my farmer is a 4 quintal acre, where the productivity of a Brazilian or American farmer a 20 quintal acre. So there is a contrast. There is the mechanized technology, we are having 100% labor in the agriculture. We were not prepared for the technology which we adopted. हमारे पास से कोई भी गवर्नमेंट, यदि इंडिया की चाहे अभी तक कांग्रेस रहो, बीजेपी रहो या और भी कोई गवर्नमेंट आ जावे, अपना देश कृषि प्रधान होने के बावजूद भी आज तक बचपन से, लड़कपन से लेकर आज तक हमने कोई भी किताब पहली से लेकर 10वीं कक्षा तक पर्टिकुलरली खेती के बारे में पढ़ी नहीं है. किसान एक ऐसा आदमी है कि जो एक्सपीरियंस के भरोसे आगे बढ़ता है, ना तो वो टेक्नोलॉजी जानता है, ना तो कोई वो पाठशाला में जाके कोई टेक्नोलॉजी का पढ़ सकता है. क्योंकि आपका खर्चा कम होगा तो आप ये दो कि आपके ऊपर, आपके कॉटन पे ये कीड़ा आया है तो ये इसके वजह से वो कम होता है. ऐसा कभी भी हमारे गांव में कभी भी कोई भी कृषि सहायक आया नहीं, हमको कभी बताया नहीं उसके बारे में. हम अंदाजा हमने हमारे हिसाब से खेती कर रहे, वो हिसाब से हम रह रहे अभी. हर किसान के खेत में जाके सरकारी जो ऑफिसर है, सरकारी जो कर्मचारी है, जैसा उनके हर ग्रामीण व्यवस्था में तालुका कृषि अधिकारी है या तो फिर उनका कृषि सहायक है, इन्होंने जाके समझाना चाहिए, सॉइल टेस्टिंग करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये डालो, यहाँ पे ये कम है ये डालो, ये ऐसा उनको बता के और खेती में आप क्या करना चाहिए वो समझा के बताना चाहिए. तो ये ऐसा अगर होगा तो खेती अच्छी होगी, ये खेती अच्छी होगी तो किसान के यील्ड बढ़ेंगे, अच्छी पीक होंगी और पैसा भी आएगा. मगर वैसा कुछ हो नहीं रहा. ये निम्बा आदर्श ग्राम योजना है. निम्बा जो अन्ना हजारे साहब ने आदर्श ग्राम योजना शुरू किया, उसमें वो निम्बा गांव में काम चालू है 3 साल से. मगर काम अभी शुरू रहे थे वे भी, वहाँ पे कुछ एक किसान ने अपने MREGS के माध्यम से कुआं खोदा, और वो MREGS के माध्यम से कुआं खुदाई होने के बाद में
उसको जो पैसा मिलना चाहिए सरकारी, वो पैसा मिला नहीं उसको। कहते यायचे घरी संध्याकाळी शेतामधून, चाल त्याचं यंदा पीक नाही झालं, कर्ज भरपूर झालं, विहिरीचं काम तसं अधुरच राहिलं, कराव तर काय कराव एवढे म्हणायचे, घरी बसायचे थोडा वेळ, नंतर वावरात चालले जायचे अजून फिरायला, फिरून यायचे अजून वावरातनी बघायचे आपले कापूस नाही यंदा जास्ती झाला, मागच्या वर्षी बी दोन अडीच क्विंटल झाला, यंदाही 2-2.5 क्विंटलच झाला, मग यातनी कर्ज फेडाव, घरी खाले ठेवाव, काय काय कराव असा विचार करत राहायचे ते। 3-4 दिन पहिले ही यहाँ पे एक सुसाइड हुआ, ये कुआ है निम्बाई जरा गाँव है, ये गाँव में किसान ने ये कम से कम 6-7 महीने से पंचायत समिति जिला परिषद में ये कुएं की वजह से 4-5 बार ऑफिसर के सामने विनती की कि मेरा भाई इस साल पीक अच्छा नहीं हुआ, इस साल बारिश अच्छी नहीं हुई, ये बारिश की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया, अगर मेरे को कुएं में अगर थोड़ा बहुत पानी है तो वो पानी मैं किसान कहूँ तो मेरे को वो खेत के लिए सिंचन के लिए कम आ सकता है। मी आजोबा शेतात गेले होते संध्याकाळचे, गेले होते तिकडे फिरायला, आम्हाला वाटलं इथं झोपतात आजोबा, इथं झोपायचे आणि आम्ही तिकडे झोपायचो, आम्ही इकडे नंतर काही यायचो नाही ना इकडं, त्यांना डिस्टर्ब नाही करायचं, कधी झोपी उठले नाही पाहिजे, मग झोपले पाहिजे कारण तर ते विचार करत राहायचे। त्याच्या आम्ही आलो नाही सकाळी, मग आम्ही 10 वाजता गेलो तिकडे विहिरीकडं, तर विहिरीत दिसले आम्हाला ते कुआ बनाने के लिए एक किसान के खेत में कुआ बनाने को बहुत हो गया, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, और उसके ऊपर अगर लेते हैं तो 2 महीने में कुआ बन के बांध काम करके रेडी हो जाती। अगर इनको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो इन्होंने हम बोलते वैसा इन्होंने करना, हम 2 महीने में कुआ बन के खोद के बन के हाथ में दे देता कुआ, यानी जो खेत है उस खेत वाले के कि भाई ये तेरी खेत और ये 2 महीने में कुआ रेडी। मगर 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 से हुए वाले मंजूर हुए वाले कुआ अभी तक खोदकाम नहीं हुए, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी कुआ हुआ ही नहीं, नीति गलत। हाँ तेरा मास्टर बता, तेरे काम करने वाले लेबर बता, उनकी प्रेजेंटी बता, उन्होंने काम किया करके उनकी प्रेजेंटी भरे वाला बुक बता, और फिर बाद में वो रजिस्टर लेके जाएंगे, फिर वो ऑनलाइन करेंगे, लोड करेंगे, बाद में इधर आएंगी वो फाइल, फिर कलेक्टर के पास में आएंगी, फिर वो देखेंगे और फिर उसके पेमेंट होंगे, उसमें 7-7, 8-8 साल निकाल दिए, 5-5, 6 साल निकाल दिए, ये क्या काम करने की पद्धत है? आज की हालत में अगर कुछ करना है तो सबसे पहले किसानों से संपर्क होना चाहिए, किसानों को ये भरोसा दिलाना चाहिए कि भाई मुश्किल में भी है तो सरकार या समाज आपकी इमदाद करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार है। अगर ये संपर्क नहीं हुआ तो किसानों तक योजनाएं फिर से नहीं पहुंचेगी और किसान मरता रहेगा और इधर इलाज होता रहेगा। We'll be right back.
तो विचार कर रहे कि हम तो खेती में कर ले, लेकिन हमारे बच्चे अभी इसके बाद में ये खेती में कभी नहीं आने को होना, इसलिए हम उनको कुछ भी कर रहे हैं, एक टाइम भूखे रह जाएंगे, लेकिन हम उसको पढ़ा के कुछ ना कुछ शहर में भेजेंगे, लेकिन खेती करने कभी नहीं लगाएंगे। एक दिन ऐसा आ जाएगा गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा खेती करने के लिए, लेकिन किसान नहीं मिलेगा खेती करने वाला, क्योंकि हम तज गए अभी खेती से।